जय जिनेन्द्र। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ साधना महोत्सव के उपलक्ष्य पर उपसघरम जाप में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क के सावरिया सेठ टेंट में विगत 7 जनवरी 2024 को दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाधवी डॉक्टर श्री रश्मि जी महाराज साहब की पावन निश्रा में श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ साधना महोत्सव के उपलक्ष्य पर उपसघरम जाप का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित होकर भक्तों ने असीम पुण्य का बंद किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम की पावन झलकियां। दिल्ली के रोहिणी में जापानीज पार्क स्थित सावरिया सेठ टेंट में श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ साधना महोत्सव के उपलक्ष्य पर उपसंग्रम जाप का आयोजन दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाधवी डॉक्टर श्री रश्मि जी महाराज साहब की पावन निश्रा में हुआ। दिनांक 7 जनवरी 2024 को आयोजित इस महोत्सव में भक्तों ने अपने जीवन में आत्मिक एवं अलौकिक आनंद की असीम अनुभूति की। जहां एक तरफ आर्य वज्र स्वाध्याय संघ के बालक बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों को गुंजयमान कर रहे थे, कार्यक्रम का शुभारंभ रोहिणी सेक्टर 15 स्थित श्री श्वेतांबर जैन स्थानक से हुआ, जहां महाराज साहब की पावन निश्रा में कलश यात्रा प्रारंभ हुई। जैन धर्म की ध्वज पताका लिए भक्त इस दौरान यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे, तो वहीं महिला वर्ग भी इस अवसर पर कैसे पीछे रहती। वह भी सर पर कलश लिए पग से पग मिलाते हुए पुण्य का संचय कर रही थी। इस दौरान यात्रा में मनमोहक झांकियां सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। विभिन्न मार्गों से होते हुए यह यात्रा रोहिणी के जापानीज पार्क स्थित सावरिया सेठ टेंट में पहुंचती है। द्वार उद्घाटन के साथ ही कार्यक्रम स्थल पर गुरुमा सत्संग एवं भक्तों का प्रवेश हुआ। उच्चासन ग्रहण करने के साथ ही गुरु मां के मुखारविंद से नमोकार मंत्र की पवित्र ध्वनियों का उच्चारण किया गया। नमो नमः अरिहन्ताय, नमो नमः सिद्धाय, नमो नमः अरिहन्ताय, नमो नमः उमेशाय, नमो सब।
इस बीच पूज्य गुरुदेव भगवतों का आगमन कार्यक्रम स्थल पर हुआ। ह्रीं श्रीं बरेजा पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं बहि पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं भटेवा पार्श्वनाथाय नमः। जिन वर के हैं आज्ञाकारी, श्रद्धा रखते समकित धारी, प्रातः उठ जो भैरव ध्याता, रिद्धि सिद्धि सब संपद पाता। इसी के साथ गुरु माँ के मुखारविंद से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य गुरु भक्तों को प्राप्त हुआ। 1993 में उन्होंने मदनलाल खुराना जी के नेतृत्व में बनी सरकार में वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते हुए दिल्ली के व्यापार को बढ़ाने के लिए कर प्रणाली में व्यापक सुधार करते हैं। 1984 और 1995 में कर संग्रह को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त करी। पार्श्वनाथ जन कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य पर पार्श्वनाथ स्तुति को श्रवण करने के बाद महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। और अब समय था जैन धर्म की ध्वज पताका को फहराने का, यानी ध्वजारोहण का, जिसका सौभाग्य पुण्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। जय हो चंडा लवे हो लार, जय हो चंडा जैन धर्म का, जय हो चंडा जैन धर्म का, जय चंडा जैन धर्म का, जय हो। इसी बीच विशिष्ट सदस्यों का स्वागत सम्मान कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा किया गया। यह निश्चित रूप से दिल्ली वासियों के पुण्य का ही उदय था जो उन्हें ऐसे पावन अवसर पर धर्म लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। क्रमानुसार अतिथिगणों का स्वागत सम्मान किया जा रहा था, वहीं इस बीच डॉक्टर अनिल जी अग्रवाल का परिचय दिया गया, जिसके साथ ही उनका स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात महानुभावों द्वारा चित्र अनावरण की मांगलिक क्रिया को संपन्न किया गया। इस बीच भक्तों द्वारा अपने मन के भाव भी साझा किए गए। अल्पाश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा। और अब समय था उप प्रवर्तक आनंद मुनि जी महाराज के मुखारविंद से मांगलिक उद्बोधन श्रवण करने का। चिंतामणि, भगवान पार्शु का जन्म कल्याणक का शुभ अवसर जब जब भी आपको और हमें प्राप्त होता है, चिंतामणि भगवान पार्शु के साथ एक नाम और जुड़ता है। जो जितने भी यहाँ पर आप सभी उपस्थित हैं, हमारे जयप्रकाश जी बैठे हैं, मुन्ना लाल जी बैठे हैं और लोग हमारे बैठे हैं, जब जब चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याण का शुभ अवसर आता है, एक और नाम जुड़ता है। वो नाम है, क्या नाम है? राष्ट्र संत ध्यान योगी उपाध्याय पंडित प्रवर श्री हेमचंद्र जी महाराज का। इस दौरान समस्त विशिष्ट सदस्यों का स्वागत सम्मान कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा किया जा रहा था। जहां एक तरफ मांगलिक उद्बोधन श्रवण करने का सौभाग्य गुरु भक्तों को प्राप्त हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर स्वागत सम्मान की श्रृंखला भी जारी थी। तत्पश्चात जगदीश मुखी जी द्वारा अपने मन के भाव सभा में साझा किए गए। भगवान पार्श्वनाथ का
जो संदेश कि हम हर व्यक्ति के प्रति करुणा और कल्याण, ये जो संदेश उन्होंने दिया था नहीं बहन, आवश्यकता है आज पूरे समाज के अंदर इस संदेश को नीचे तक ले जाने की। यही प्रार्थना करते हुए इस संदेश को हम सभी जहाँ तक संभव होता है नीचे तक पब्लिक के अंदर ले जाने का कार्य करें, यही मेरा आपसे निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में जस्टिस डॉक्टर सुधीर जैन जी द्वारा अपने मन के भाव साझा किए गए। जैन समाज का, जैसे अभी मुखी साहब ने अभी हमको बताया कि हमारे जो जैन समाज के, जैन धर्म के जो आदर्श हैं, हम उनको अपनाने की कोशिश करें, कहीं कहीं भी रहें, किसी भी रूप में कहीं भी उपस्थित हैं, मगर हम अपने जैन धर्म के सिद्धांतों को माने। एक जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो ये कहता है कि जितनी चीज़ की ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है, उसको रखो, बाकी सबको दान कर दो। मैंने कहा हमारे साधु जो हैं सब कुछ त्याग करके, करोड़ों की संपत्तियां त्याग करके साधु बनते हैं, जैन धर्म को अपनाते हैं, जैन धर्म को आगे बढ़ाते हैं। और बाकी अगर आप कहीं और देखेंगे तो जाके जो साधु लोग आते हैं वो साधु बनने के बाद संपत्ति इकट्ठी करते हैं। इसके बाद परम पूज्य मणिभद्र जी महाराज साहब के मुखारविंद से मंगल उद्बोधना श्रवण करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। कभी हमारा भी ऐसा अवसर या हमारे जीवन में भी कभी ऐसा अवसर आएगा कि हमारी भी जन्म कल्याण या जन्म कल्याणक मनन का अवसर हम किसी को देंगे। जब हम जन्म लेते हैं तो बिना मुहूर्त के जन्म होता है हमारा। हर इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में पड़ा रहता है और अंत में बिना मुहूर्त के ही जाना होता है। सारी जिंदगी भर शुभ मुहूर्त ढूंढते रहे, परंतु शुभ मुहूर्त कब होता है? जब तीर्थंकर आत्माएं जन्म लेती, जब जन्म लेते हैं तो हम आप और हमारी तरह सामान्य रूप में उनका जन्म होता है। जब उन्होंने साधना की, साधना के बाद जन्म को जन्म कल्याण का रूप प्रदान करते। एक बार पुनः भक्तों द्वारा अपने भाव सभा में साझा किए गए। जो सुनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो यही है कि किस तरीके से जन्म और मरण के दुख को दूर करें और ये बार बार आने जाने का क्रम टूटे। जी छोड़ कर उनको बार हमारे बीच में जगदीश मुखी जी, हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक भी, और हमेशा से ही उनकी प्रेरणा मिली है। और समस्त जैन समाज जिसने पूरे संसार को अहिंसा का मार्ग दिखाया। जैन समाज भारतवर्ष में क्या एक संख्या बल पे छोटा समाज रहा होगा, लेकिन जैन समाज की उपलब्धियाँ, जैन समाज का कॉन्ट्रीब्यूशन भारत की उन्नति में, भारत की प्रगति में, भारत की जीडीपी में, भारत के जितने भी कार्यक्रम हैं उनके अंदर बहुत 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 आगे जैन समाज का स्थान है। आज से 2550 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी ने जो शिक्षाएं दी वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। मैं कहूँ कि ज़्यादा रेलेवेंट हैं, चाहे वो अहिंसा है, चाहे वो परिग्रह है, चाहे वो दया है। अब ये वर्ष भगवान महावीर स्वामी का 2550वां परिनिर्वाण का कल वर्ष भी है। पारसनाथ भगवान का ये स्मरण आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने उस वक्त में रचा जब 12.5 साल का दुष्काल पड़ चुका था। साधु साधियों को आहार ना मिल पाने के कारण 736 साधु साधी काल धर्म को प्राप्त हो गई। नेपाल का संघ विचलित हो गया। साधु समाज का इसी प्रकार हरास होगा तो धर्म की प्रभावना कैसे होगी? आचार्य भद्रबाहु स्वामी संलेखना में जा चुके थे। उन्होंने कहा गुरुदेव संघ की रक्षा के लिए कुछ करें। तब संघ की रक्षा के लिए आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने पारसनाथ भगवान का स्मरण करा। पारसनाथ भगवान का स्मरण करने से पूर्व उन्होंने कहा कंठे धृणेन्द्र चय सवोचितम कर्म करवती। प्रभु कमठ ने अपनी रुचि के अनुसार कार्य करा, धृणेन्द्र ने अपनी रुचि के अनुसार कार्य करा, पर प्रभु आप प्रभु स्तुल्य मनोवृत्ति, आप दोनों के लिए बराबर रहे, ना किसी के प्रति क्रोध का भाव रहा, ना अनुराग का भाव रहा। और अब समय था उन पवित्र पाठ को श्रवण करने का जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। समय था उपसंग्रह जाप को श्रवण करने का। ए समते ल
लदे चिंता मणि कसाए बभे पावन सिंह विज्ञान जीवाय राम रंखान ये संत महायश बती भनि मृणियन मंगल कल्याण आवास विसर फुलिंग मन संकंठे धारे जो से अमन कहरो गुमारी दुठ जरा जंती उब साम चिठो दूरे मन तो तुझ फनामो भी फल हो नरतेश जीवा। जब से भक्त अमर मिला जब से भक्त अमर मिला रोम रोम खिला खिला जब से भक्त अमर मिला रोम रोम खिला खिला अरे मेरी प्रभु से डोर बंध गई रे अपनी तो पतंग उड़ गई रे अपनी तो पतंग उड़ गई रे। हमारे मध्य में पद्म श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंडी जी आए हुए हैं जो कि शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक हैं। मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ भगवान पारसनाथ जी के पवित्र जन्मदिन के अवसर पर मंच पर उपस्थित परम आदरणीय साध्वी जी साधु समाज और बहुत ही सत्कार योग परम सत्कार योग संगत जी मातृशक्ति। मैं आज जिस समाज में खड़ा हूं सेवा से इस समाज का नाम जुड़ा हुआ है। जैन समाज ने हमेशा देश के किसी भी भयानक समय में आगे बढ़कर अपने दामन को खोल दिया। हेल्थ वेलनेस वो 45वें श्लोक से हमारे उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोच्यम दशा मुपगता शुद्ध जीवताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वस्त संग्राम वारिधि महोदर बंधुनोत्थम तस्याशु नाश मुपियाति भयम भेव यस्वावकम समिमं मतिमान। तो ये पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र के ये जाके मैंने वहाँ प्रेजेंटेशन दिया था। तत्पश्चात PPS स्कूल की बालिकाओं द्वारा सुंदर कवाली को प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही दिनांक 7 जनवरी 2024 को आयोजित उप संग्रहम जाप का समापन सानंद रूप में हुआ। दर्शकों, दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क में दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी डॉक्टर श्री रश्मि जी महाराज साहब की पावन निश्रा में भक्ति और उत्साह के साथ श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ साधना महोत्सव के उपलक्ष्य में उप संग्रहम जाप का भक्तिमय आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित होकर भक्तों ने असीम पुण्य का बंद किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ TV चैनल। जय जिनेंद्र।